उठाओ अल्लाह का कुरान, चैलेंज के साथ अमीर रजा बयान कर रहा है, हवाला गलत साबित करो, जो बोलोगे वो मिलेगा, मगर आओ तो सही, साबित तो करो। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से अंबिया का नाम कुरान में बयान फरमाया। जब पुकारा अल्लाह ने नाम के साथ पुकारा, इदरीस, लूत, नूह, शुआएब, सालेह, ईसा, मूसा, लेकिन जब बात महबूब की आई, जब बात महबूब की आई तो कभी ताहा, अरे जोर से बोलो, जब बात अपने महबूब की आई तो डायरेक्ट मोहम्मद नहीं कहा, कभी कहा ऐ मेरा नूर, ऐ मेरा नूर, डायरेक्ट मोहम्मद नहीं कहा, अल्लाह ने कहा नूर हो, अल्लाह ने कहा मुसम्मिल हो, अल्लाह ने कहा मुतसर हो, अल्लाह ने कहा ताहा हो। ए लोगो, तुमने नात को कुछ हल्का फन समझ रखा है, मैंने आपको बताया कि नात तुकबंदी का नाम नहीं है। नात क्या है, आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। नात किसे कहते हैं, आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। सिर्फ नाचने का नाम मादल्लाह रब्बिल आलमीन, कुछ लोगों ने समझा है कि लहरा लहरा के पढ़ने का नाम नात मादल्लाह, वो नात नहीं है, वो नात नहीं है। नात किसे कहते हैं, आओ सुनो, नात तो इन लोगों ने पढ़ी थी, नात किसने पढ़ी है, सुनो। अभी मैं कहां जाके रुकूंगा, अभी अकीदा मचल जाएगा, अंदर से रूह मचल जाएगी, तब आपके समझ में आएगा नात किसने पढ़ी है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अबू बकर नात पढ़ें, उनसे आगे रसूलुल्लाह की आमद से पहले ईसा नबी की नात पढ़ें, मूसा नबी की नात पढ़ें, ज़करिया मूसा नबी की नात पढ़ें, दाऊद नबी की नात पढ़ें, इलियास नबी की नात पढ़ें। लेकिन अगर कभी किसी का सबका पड़ जाए किसी डॉक्टर हड्डी वाले से, तो पूछना ये जो कड़क हड्डी है ये अपनी गिजा कैसे लेती है, इसकी खुराक जो है इसको कैसे मिलती है, तो वो बताएगा कि इसके अंदर इतनी क्वालिटी नहीं है कि ये डायरेक्ट अपनी गिजा ले सके। फिर कैसे लेती है, एक नरम हड्डी होती है जिसे हम कसाई लोग कुर्री कहते हैं। क्या कहते हैं, जोर से बोलो, कुर्री। खाए हो, किसने किसने नहीं खाया है, सब खाए बैठे। चचा नहीं खाए हो, खाए हो, अरे सुभान अल्लाह, हाँ मैं टेंशन में आ गया, या अल्लाह 70 साल के चचा नहीं खाए हैं। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन नबी, हाँ हाँ वही नबी जिसके लिए आला हजरत कलम चलाते हैं और फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले जैबा कहूँ तुझे, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। बहुत कुछ कहा है आला हजरत ने, फिर कहते हैं हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अब खत्म करते हैं कसीदा, दिल तो नहीं मानता है मगर जब वक्त नमाज हो जाता है तो कलम रोक देते हैं, ये कहते हुए लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस बात पर कर दिया, इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, अल्लाह अल्लाह। इसीलिए आला हजरत फरमाते अगर मैं तारीफ करूँ सुभान अल्लाह तो यकीन जाने पूरी रात खत्म हो जाएगी, मगर मुस्तफा जाने रहमत की शायाने शान हम तो क्या। मैंने बयान किया था ना कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने से लेकर आज तक और आज से लेकर सुबह कयामत तक जितने भी लोग आएंगे सब अपने हिसाब से तो नबी की तारीफ कर सकते हैं, मगर मेरे मुस्तफा के हिसाब से उनकी तारीफ दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। अगर कोई कर सकता है अल्लाह के इज्जत की कसम तो वो खुद खालिक मोहम्मद, तो वो खुद परवरदिगार की जात है अल्लाह अल्लाह, वरना दुनिया में ऐसा कोई नहीं। आदम से लेकर सुबह कयामत तक जितने भी आएंगे कोई मेरे नबी की कमाहक कहूँ तारीफ कर सके, हो ही नहीं सकता। मैंने कहा था ना, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू राहत, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। तो राहत इंदौरी कोई मामूली शायर का नाम नहीं था, बड़ा मुताला और बड़ा मुताला उसका, और कहना चाहिए किताबों पे गाढ़ी और गहरी नजर, उर्दू अदब का माहिर, कई जबानों पर उबूर जिसे हासिल, दुनियाए शेरो सुखन में उस्ताजुल असातेजा की हैसियत रखने वाला, वो कहता है मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू राहत,
आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता, अल्लाह अल्लाह। और अगर देखो तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी नबी की शान में, ये तो मैंने राहत की बात की, राहत से ऊपर चलो तो इकबाल कहते नजर आते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। और आगे चलो, अल्लाह अल्लाह तो बड़े बड़े लोग नजर आएंगे, कहीं आला हजरत, आला हजरत को तो सुन ही रहे हो, बारह दिन से आला हजरत को सुन रहे हो और मचल रहे हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई शेर नहीं समझ में आता है फिर भी मचलना आता है। मैं बहुत हैरत में हूँ कि वजह क्या है, समझ पाते नहीं हो मगर मचलने पे आगे वालों को भी देख रहा हूँ मचल रहे हैं, पीछे वालों को भी देख रहा हूँ मचल रहे हैं। अगर मैंने किसी दीवाने से ये सवाल कर लिया मचलते क्यों हो, तो यकीन जानिए वो एक ही लफ्ज बोलेगा, अरे कोई नाते पाके नबी कहना चाहे तो पहले वो अल्लाह पर रसूलुल्लाह के इश्क के समंदर में गोता संत हो जाए, नबी के इश्क के समंदर में गोताजन तो हो जाए। और जो गोताजन होकर सहबहरे रसालत में नात कहता है, फिर वो नात इतनी मकबूल होती है, इतनी मकबूल होती है कि सुनने वाला, सुनाने वाला कैसा भी हो, सुनने वाले को ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने इलाके में नहीं, मैं मुस्तफा के दयार में मौजूद हूँ, मैं मुस्तफा जाने रहमत के आस्ताने पे मौजूद हूँ, ऐसा महसूस होता है। और ये करामत आला हजरत के शेरों की, जब कोई आला हजरत का शेर सुनता है तो ऐसा ही महसूस होता है कि या तो मदीना शरीफ हमारे दिल में है या फिर मदीना शरीफ के हरम में हम मौजूद, ऐसा महसूस होता है। और यकीन जाने ये आशिकों की बोली है, उठाओ किसी आशिक से पूछो तो वो कहेगा आला हजरत की बारगाह में एक साहब आए और उन्होंने कहा था कि हुजूर मैंने नात लिखी है, आप जरा इस्लाह फरमा दें। तो आला हजरत ने फरमाया लाइए देखते हैं। जब उन्होंने देखा तो उसका एक शेर ऐसा था कि अल्लाह अकबर, मैं रात भर हुजूर की मोहब्बत में रोता रहा, मैं रात भर, इस तरह का मफहूम था कि मैं रात भर हुजूर की मोहब्बत में रोता रहा। आला हजरत ने कहा रुक जाओ, अगर ये सच्चाई है तो लाओ पहले मैं आपके हाथ चूम लूं, अगर ये सच्चाई है तो लाओ मैं आपका हाथ चूम लूं, इसलिए कि जो रात भर हुजूर की याद में रो रहा है वो कोई मामूली इंसान नहीं होगा। लेकिन खबरदार, सिर्फ शायरी के नियत से ये तुमने शेर कह दिया है और रात भर नहीं रोए, पूरी रात का एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा अल्लाह पर जो आंसू से खाली गया हो, अगर गया है तो ये झूठ होगा। और कितनी बड़ी जसारत की आपने के हुजूर की तारीफ में झूठ शामिल कर रहे हैं, कितनी बड़ी जसारत कि आप हुजूर की तारीफ में झूठ शामिल करते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही उन्होंने आला हजरत को यह कहते हुए सुना, तौबा करने लगे, बोले हुजूर मैं माफी चाहता हूँ, मैं तो अब तक समझता था कि नात कहना बस तुकबंदी होती है, मैं तो समझता था नात कहने का मतलब सिर्फ रदीफ और काफिया की पैमाइश है, मैं तो समझता था कि रदीफ और काफिया को मिलाने का नाम नात है, मगर आज शायर से मुलाकात नहीं हुई है, आज मेरी तो रसूलुल्लाह के एक सच्चे आशिक से मुलाकात हुई है, आज आशिके मुस्तफा से मुलाकात हुई है, आज मैं समझ गया हूँ कि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नात कहना कोई मामूली चीज नहीं है। हाँ हाँ, मैं कहना चाहता हूँ ऐ लोगों, नात पढ़ो तो बावजू पढ़ो, नात पढ़ो तो बाअदब होकर पढ़ो, नात पढ़ो तो बागुस्ल रहो, बावजू रहो, और लबहाए अकीदत पर हुजूर की जब तारीफों तौसीफ के मिसरे आ जाएं तो उस वक्त
आपको ये चाहिए कि एहतियात का दामन हाथ से ना छूटे, निगाहें नीची रहें, अदब का दामन थामे रहो। क्यों? इसलिए कि तुम हुजूर की तारीफ कर रहे हो, तुम हुजूर की तौसीफ कर रहे हो, तुम हुजूर की सना कर रहे हो। किस रसूल की सना कर रहे हो? अरे जिस रसूल की तारीफ अल्लाह अकबर हजरत सैयदना इमाम बुसीरी कर रहे हैं, हजरत सैयदना शरफुद्दीन यहया मनयरी कर रहे हैं, जिनकी तारीफ और तौसीफ हजरत अब्दुल रहमान जामी कर रहे हैं, जिनकी तारीफ हजरत अमीरे खुसरू कर रहे हैं, जिनकी तारीफ हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया करते नजर आते हैं, जिनकी तारीफ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी करते नजर आते हैं। अरे जिस रसूलुल्लाह की बारगाह में कसीदा पढ़ते हुए हजरत पाक पटन के बड़े शायर जिनका नाम सुभान अल्लाह हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, वो रसूलुल्लाह की तारीफ करते नजर आते हैं। और आगे बढ़ो तो सुभान अल्लाह गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा ना के सारा पीरे कामिल कामिला रहनुमा। इतने बड़े बड़े औलिया अपने वक्त के अल्लाह पर जो मीनार हैं, अक्ताबियत की मंजिल पे फाइज हैं, कुतुबियत की मंजिल पे फाइज हैं, ऐसे ऐसे लोग मेरे मुस्तफा की तारीफ कर रहे हैं। और तारीफ करते करते और आगे बढ़ो तो मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह अल्लाह अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हजरत दाता अलीगंज हजवेरी रदी अल्लाह ताला अन्हो से आगे बढ़ो तो गौसे आदम रसूलुल्लाह की नात पढ़ते नजर आते हैं, इमाम आदम अबू हनीफा रसूलुल्लाह की नात पढ़ते नजर आते हैं। और आगे बढ़ो तो ताबईन की एक लंबी फेहरिस्त है जो हुजूर की तारीफ कर रहे हैं, सब हुजूर की तारीफ कर रहे हैं। ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ कि इमाम हुसैन तारीफ कर रहे हैं, ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ कि हजरत वरका बिन नौफल हुजूर की तारीफ कर रहे हैं, ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ कि हजरत अनस हुजूर की तारीफ कर रहे हैं, ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ हजरत अबू हुरैरा रसूलुल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ कि मेरे आका फरमाते हैं हसन तुम खड़े हो जाओ और मेरी नात पढ़ो। मेरे नबी की तारीफ सब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, अरे ये तो सिर्फ हसन की बात है, सुभान अल्लाह नबी की तारीफ हुसैन कर रहे हैं, नबी की तारीफ नात पढ़ रहे हैं हसन, नबी की नात अली पढ़ रहे हैं, नबी की नात उस्मान पढ़ रहे हैं, नबी की नात उमर पढ़ रहे हैं, नबी की नात अबू बकर सिद्दीक पढ़ रहे हैं। और आगे चलो, नबी की आमद से पहले अभी नबी आए नहीं है, 2000 साल का वक्त है, 2000 साल तकरीबन गुजर चुके हैं या 2400 साल गुजर चुके हैं। अल्लाह पर कबीरा नबी की तारीफ कौन हजरत ईसा कर रहे हैं, अल्लाह पर नबी की नात पढ़ रहे हैं। और आगे चलो, ये सिर्फ ईसा नहीं, ईसा से पहले मूसा नबी की नात पढ़ रहे हैं, सिर्फ मूसा नहीं, और आगे चलो हजरत इलियास नबी की नात पढ़ रहे हैं, हजरत दाऊद नबी की नात पढ़ रहे हैं, हजरत मूसा नबी की नात पढ़ रहे हैं, हजरत सालेह नबी की नात पढ़ रहे हैं, हजरत शोएब नबी की नात पढ़ रहे हैं, हजरत जकरिया नबी की नात पढ़ रहे हैं, हजरत लूत नबी की नात पढ़ रहे हैं। ए लोगों, तुमने नात को कुछ हल्का फन समझ रखा है। मैंने आपको बताया कि नात तुकबंदी का नाम नहीं है, नात क्या है आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ, नात किसे कहते हैं आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। सिर्फ नाचने का नाम माज़ल्लाह है रब्बिल आलमीन, कुछ लोगों ने समझा है कि लहरा लहरा के पढ़ने का नाम नात, माज़ल्लाह वो नात नहीं है, वो नात नहीं है। नात किसे कहते हैं आओ सुनो, नात तो इन लोगों ने पढ़ी थी, नात किसने पढ़ी है सुनो। अभी मैं कहां जाके रुकूंगा, अभी अकीदा मचल जाएगा, अंदर से रूह मचल जाएगी, तब आपके समझ में आएगा नात किसने किसने पढ़ी है। अल्लाह अकबर कबीरा, अबू बकर नात पढ़े, उनसे आगे रसूलुल्लाह की आमद से पहले ईसा नबी की नात पढ़े, मूसा नबी की नात पढ़े, जकरिया मूसा नबी की नात पढ़े, दाऊद नबी की नात पढ़े, इलियास नबी की नात पढ़े, हजरत खिज्र नबी की नात पढ़े, हजरत इदरीस नबी की नात पढ़े, हजरत नूह नबी की नात पढ़े, हजरत शीश नबी की नात पढ़े, हजरत आदम नबी की नात पढ़े, और सिर्फ आदम नहीं, आदम से पहले हजरत जिब्रील नबी की नात पढ़े, हजरत जिब्रील नबी की नात पढ़े। लेकिन जब आमिना का लाल अपनी शानो शौकत के साथ 12 रबीउल अव्वल को इस धरती पर तशरीफ लाया और जब आका आ गए तो 23 साल तक रब की रहमत ने जिब्रील से कहा, ए जिब्रील जाओ मेरे
नबी की नात पढ़ो, जिब्रील नबी की नात पढ़ रहे हैं, बशक्ले कुरान, जिब्रील नबी की नात पढ़ रहे हैं, बशक्ले कुरान 23 साल तक नात पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, दुनिया को समझाते रहे, आए और दुनिया को बता रहे हैं नात कैसे पढ़ोगे, तो सुनो नात पढ़ना है तो ऐसे पढ़ो, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, औका की आमद, नारे रिसालत। और ये नात पढ़ना अब जिब्रील पैगाम दे रहे हैं, अब जिब्रील अकीदा दे रहे हैं कि नात पढ़ना सिर्फ जिब्रील की सुन्नत नहीं है, जिब्रील की सुन्नत नहीं है, बल्कि ये हुक्म मेरा नहीं है, ये हुक्म परवरदिगार का है। अब तुम्हें हुजूर की नात पढ़ना है तो ऐ मेरी बहनों तुम भी हुजूर की नात पढ़ो, ऐ मेरे भाइयों तुम भी हुजूर की नात पढ़ो, ऐ मेरे दोस्तों तुम भी हुजूर की नात पढ़ो, बूढ़ो तुम भी नाते रसूल पढ़ो, ऐ जवानों तुम भी नबी की नात पढ़ो, ऐ बच्चों भी नबी की नात पढ़ो। अब कहेंगे हजरत हमें नात तो याद नहीं है, मैं कहूंगा जनाब आप नात समझते किसको हो, आप नात समझते किसको हो, अरे कुरान घर में मौजूद है ना, कुरान खोलो और जब कुरान खोलोगे तो कुरान ही नाते मुस्तफा है, यही कुरान है जो सबसे बड़ी नात की किताब है, वो कुरान है। नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नात के माना होते हैं तारीफ, जोर से बोलो, पूरा मजमा जोर से बोले, नात का मतलब होता है तारीफ। यहाँ आप लोग बैठे मैं कहूंगा आरिफ भाई, तो ये तारीफ नहीं हुई, ये तो नाम लेना हुआ। अहमद भाई, ये तारीफ नहीं है, ये ना, ये मैं कहूंगा फला, मैं कहूंगा मोहतरम, इज्जत महाब हजरत फला 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 तशरीफ लाए, तो अब ये तारीफ हुई, सही है गलत? उठाओ अल्लाह का कुरान, चैलेंज के साथ अमीर रजा बयान कर रहा है, हवाला गलत साबित करो, जो बोलोगे वो मिलेगा, मगर आओ तो सही साबित तो करो। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से अंबिया का नाम कुरान में बयान फरमाया, जब पुकारा अल्लाह ने नाम के साथ पुकारा, इदरीस, लूत, नूह, शुआएब, सालेह, ईसा, मूसा, लेकिन जब बात महबूब की आई, जब बात महबूब की आई तो कभी ताहा, अरे जोर से बोलो, जब बात अपने महबूब की आई तो डायरेक्ट मोहम्मद नहीं कहा, कभी कहा ऐ मेरा नूर, ऐ मेरा नूर, डायरेक्ट मोहम्मद नहीं कहा, अल्लाह ने कहा नूर हो, अल्लाह ने कहा मुसम्मिल हो, अल्लाह ने कहा मुद्दसर हो, अल्लाह ने कहा ताहा हो, अल्लाह ने कहा यासीन हो, ताकि दुनिया समझ जाए जितने नबी आए हैं सब एक तरफ, तन्हा मोहम्मद एक तरफ, सारे नबी एक तरफ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ अपने पास से बोल, नहीं अपने पास से कैसे बोला, जी हाँ उठाओ जब मेरा नबी मेराज पे चला, तारीख देखो, पढ़ते नहीं हो, उठाओ तफसीर रूहुल बयान देखो, उलमा ने तफसीरें की हैं, फरमाते हैं जब मेरा नबी खुदा को देखने चला तो मेरे नबी के मकान की छत जिब्रील ने हटाई, मेरे नबी के लिए अल्लाह ने बुराक पैदा किया, और जोर से बोलो, अल्लाह ने नबी के लिए बुराक पैदा किया, नबी वहां से चले मस्जिदे हरम गए, मस्जिदे हरम से, मस्जिदे हराम से मेरे आका बुराक पर कहां गए, मस्जिदे अक्सा कहां गए, मस्जिद अक्सा तशरीफ ले गए, और जब मेरे आका पहुंचे तो सब खड़े हैं, सफे बनी है, सफाए बनी है, मेरा नबी पहुंचा, और जैसे ही पहुंचा तो सुभान अल्लाह सब खड़े हैं और एक रास्ता खुला हुआ है, मेरे आका चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, और जहां जाकर रुके वो मुसल्ले इमामत, वो मुसल्ले
यहीं पर रुककर एक बात बताऊंगा। अच्छा, अभी नबी ने सफर शुरू किया है और खुद बताओ, आपने उलमा की तकरीरों में सुना होगा, जब नबी गए मेराज में तो अल्लाह ने हुजूर को बंदों के लिए क्या दिया? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, डरो मत, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, कोई नंबर नहीं काटेगा, जोर से बोलो। आप लोग बताएं, नमाज, नमाज कहां मिली? मेराज में। कहां मिली? और अभी हुजूर मस्जिद अक्सा में, अभी सफरे मेराज शुरू, सारे नबी किस लिए खड़े हैं? सारे नबी किस लिए खड़े हैं? नमाज के लिए, सारे नबी नमाज के लिए, और नबी पढ़ा रहे हैं। अभी मिली नहीं है, नबी पढ़ के बता रहे हैं। अभी मिली नहीं है, मेरा नबी पढ़ के नहीं, पढ़ा के बता रहा है। मेरा नबी पढ़ के नहीं, पढ़ा के बता रहा है कि लोगों, अरे सुनो सुनो, अभी नमाज मिली नहीं है, मगर मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे महबूब, मेरे मुहिब ने मुझे सब कुछ बता रखा है। मेरे परवरदिगार ने, मेरे रहीम ने, मेरे करीम ने अपने महबूब को, अपने जान, अपनी, अपने महबूब को सब कुछ सिखा रखा है, सब कुछ बता रखा है। ए लोगों, ये मंजर देखकर समझ लेना कि मदीने वाला हमारी तरह बशर, जोर से बोलो, हाथ उठा के, मदीने वाला हमारी तरह बशर नहीं है, मदीने वाला हमारी तरह बशर नहीं है, नहीं है। ये अकीदा रखना, जब ये अकीदा रखोगे तभी बख्शिश होगी, ये अकीदा रखोगे तभी जन्नत तुम्हारी होगी, वरना मियां आमाल तो बिला शुभा, आमाल के मामले अलग हैं। जब अल्लाह बख्शने पे आएगा तो चोरों को भी बख्श देगा, सुभान अल्लाह, अल्लाह बख्शने पर आएगा तो चोरों को भी बख्श देगा। अल्लाह बख्शने पर अगर आया, अगर अल्लाह चाहे तो चोरों को बख्श दे, अगर अल्लाह चाहे तो पापियों को बख्श दे, अगर अल्लाह चाहे तो जालिमों को बख्श दे, अगर अल्लाह चाहे तो जिसे चाहे बख्श दे। मगर याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला कभी किसी काफिर को नहीं बख्शेगा, अल्लाह कभी किसी मुशरिक को नहीं बख्शेगा, अल्लाह कभी किसी मुर्तद को नहीं बख्शेगा। क्यों? इसलिए कि काफिर, मुशरिक, मुर्तद, ये वो क्वालिटी के लोग हैं जिन पर जब तक के तौबा न हो जाए जहन्नम हराम, जहन्नम, जोर से बोलो। तो मियां बिल्कुल साफ सुथरी बात में तकरीर कर रहा हूं ताकि भेजे में उतर जाए। अभी नमाज मिली, अभी नमाज मिली नहीं है, नबी पढ़ के बता रहे हैं, पढ़ा के बता रहे हैं। अंबिया और सारे अंबिया मुक्तदी बने खड़े हैं, मगर आगे कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा, अगर रिश्ते के एतबार से देखो तो हजरत इब्राहिम मेरे नबी के बाप हैं, उनमें खड़े हैं ना। अब देखिए, सब खड़े हैं, हजरत आदम भी हैं, हजरत शीस भी हैं, हजरत नूह भी हैं, हजरत मूसा भी हैं, मगर कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। सब जानते हैं, सब ने हुजूर की नात पढ़कर बता दिया। कभी कभी नात पढ़ना जबान से होता है, और कभी कभी किसी की ताजीम में खामोश रहकर, खामोश रहकर खड़े रहना भी नात ही पढ़ना होता है। यहाँ पर अंबिया हुजूर की नात पढ़ रहे हैं खड़े होकर, इंतजार कर, मुंतजिर होकर। वो इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि हम मुसल्ले पे इसलिए नहीं बढ़ेंगे कि हमारे बाद जो आने वाला है वो सबसे बड़ा है, वो इतना बड़ा है कि आला हजरत फरमाते हैं सबसे आला वो औला। सुभान अल्लाह, हमारा नबी आदम को देख रहे हैं, आदम से भी आला हमारा नबी, शीश से भी आला हमारा नबी, मूसा से भी आला हमारा नबी, ये जितने नबी हैं सब नबियों से आला हमारा नबी, हमारा नबी सारे नबियों से बाला हमारा नबी। तो यही अकीदा सबका था कि जो सबसे आला है वो आ रहा है, जो सबसे बाला है वो आ रहा है, जो सबसे निराला है वो आ रहा है, जो सबसे प्यारा है वो आ रहा है। और जब वो आया, आते ही साथ मुसल्ले इमामत पर, अब नबी ने किसी से नहीं कहा कि आप पढ़ाओ, आप पढ़ाओ, आप पढ़ाओ। कैसे पढ़ाते? इसलिए कि राजो न्यास की बात थी, बात तो राजो न्यास की थी, और ये राज तो अल्लाह ने महबूब को बताए थे ना, हैं? इसीलिए तो सारे अंबिया मुंतजिर थे कि तुम आओ तो उकदा खुले, तुम आओ तो बात आगे बढ़े। आ गए मुस्तफा, आ गए खैरुल अनाम,
आ गए सैयदुल अंबिया मुसल्ले इमामत पर, नमाज पढ़ा के बता दी कि ए लोगों जब मैं लाऊंगा तब तुम पाओगे, जब मैं लाऊंगा तब तुम पाओगे, और मेरी शान ये है कि अभी मिली नहीं है, मैं पढ़ा के दिखा रहा हूँ कि लोगों तुम में और मुझ में कितना फर्क है, तुम में और मुझ में कितना फर्क है। अब जो समझ जाएंगे वो समझ जाएंगे कि हुजूर हमारी तरह नहीं है, वो समझ जाएंगे, और जो समझ जाएंगे वो कभी ये न कह सकेंगे, वो कहेंगे तो यही कहेंगे कि या रसूल अल्लाह तेरे तलवों का धोवन है आबे हयात, तेरे तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी सबसे आला वो औला, हमारा नबी सबसे बाला वो बाला, हमारा नबी सबसे बाला वो बाला, हमारा नबी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ लोगो आओ, मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम वसलाम अलैका या रसूल अल्लाह, तो मैं अर्ज कर रहा था हुजूर की नात पढ़ना ये किसी शायरों ये ऐरे गैरे शायरों का काम नहीं है, ये तो तुकबंदियां करते हैं। शायरी आला हजरत से किसी ने पूछी कि हुजूर आपने शायरी कहां से सीखी, तो आला हजरत फरमाते हैं मैंने शायरी कुरान और हदीस से सीखी। मैंने शायरी कुरानो हदीस, ये बैठे हैं मौलाना मुस्तफा साहब, पूछो कितने शायर हैं, अगर ढूंढेंगे मोहल्ले में भी मिल जाएंगे। और ऐसे ऐसे जनाजे निकालते हैं शेरों के, ऐसे ऐसे जनाजे निकालते हैं शेरों के, बाप रे बाप, वो समझते हैं बस काफिया और रदीफ की पैमाइश का नाम शायरी है। जनाब रदीफो काफिया की पैमाइश का नाम शायरी नहीं है, बल्कि दो जुमलों में समझाना चाहता हूँ, समंदर को कूजे में समाने का नाम शायरी है, समंदर को कूजे में समाने का नाम शायरी है, और उसी कूजे को समंदर बना दो तो उसे तकरीर कहते हैं। बात समझे, जो समंदर को कूजा बना दे उसे शायरी, उसे नात कहते हैं, नज्म वाली नात कहते हैं, और जो लोग कूजे को समंदर बनाते हैं एहतियात का दामन न छोड़ते, एहतियात का दामन न छोड़ते हुए तकरीर तो बहुत से लोग करते हैं, उधर भी तकरीरें होती हैं, इधर भी तकरीर होती है, मगर वो एहतियात तो दूर है, माद अल्लाह वो तो इम्कानात अल्लाह पर मुमकिनात को माद अल्लाह मुमकिनात को वो कहना चाहिए अमरे अम्र कर देते हैं, वो ले लेते हैं कि हाँ में, बल्कि यूं समझो हाँ को नहीं में लेते हैं और ना को हाँ में लेते हैं, और फिर तारीफ करते हैं और कहते हैं हम अल्लाह के नबी को तो मानते हैं, एहसान कर ले देखो अल्लाह, हम अल्लाह के नबी को तो मानते हैं, भाई वो तो अल्लाह के नेक बंदे थे, खबीस कहीं का तेरा मुंह देख बोल कैसे, वो हम तो अल्लाह के नबी को मानते हैं, वो तो अल्लाह के नेक बंदे थे, खबीस जुमला संभाल, बात किसकी कर रहा है, सीधे कह अरे मेरे आका जाने दो आलम है, वो जो न थे तो कुछ न था, आला हजरत को देखो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न हो तो कुछ न हो, अरे जान है वो। मैं तफसीर बैजावी पढ़ रहा था हजरत, तो उसमें मैंने देखा मुसन्निफ़े बैजावी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने, अच्छा पहले यहां पे एक अकीदा सुनो, अल्लाह पूरे आलम का खालिक है कि नहीं, पैदा करने वाला है कि नहीं, पूरे आलम को किसने बनाया, अच्छा पूरे आलम को खिलाता कौन है, तो अल्लाह रज़ाक हुआ कि नहीं, जोर से बोलो अल्लाह रज़ाक, अल्लाह रज़ाक, चूटियों को गिज़ा कौन देता है, आपको और हमें गिज़ा कौन देता है, अब ये मसला हल हो गया, कोई किसी को खिलाता नहीं, खिलाता कौन है, तो फिर क्यों किसी के आगे दुम बजाते हो, क्यों किसी के आगे घूमते हो, रे नहीं नाराज नहीं हो जाए सेठ साहब, नाराज नहीं हो जाए सेठ साहब, नाराज नहीं, सेठ होगा अपने घर का होगा, हक बात कहने में ना सेठ ना पेट, हक बात कहने में ना सेठ
न पेट, सीधे यही बोलो कौन देता है देने को चाहिए। आला हजरत हर जगह नजर आते हैं, कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा। अभी ये शेर बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा, अभी समझना। मुसन्निफ़े बैदावी फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं, मैं सोचने लगा, अल्लाह ने जिस्म बनाया इंसान का, जिस्म में तीन चीजें अल्लाह ने बनाई। इधर देखिए, जिस्म में इंसान के तीन चीजें हैं, एक है गोश्त। क्या है? गोश्त। यह है ना अदिला अदिला, देखो रान मान है कि नहीं, अदिला रान दस्त है ना। फिर उसमें फरमाया एक है गोश्त, एक है कड़क हड्डी, जैसे ये पैर की है कि नहीं, ये हड्डी, ये सब क्या है? कड़क हड्डी, ये खाते हो? ये नली जिसमें होता है गूदा, गूदा तो खा लेते हो मगर नली खाते हो? बोलो जोर से, नहीं। तो नली नहीं खाते हो? अच्छा अगर खाएंगे तो क्या टूटेगा? नली के दांत इतनी सख्त होती है। तो एक है गोश्त और एक है कड़क हड्डी। तो अल्लाह ने गोश्त भी बनाया, अल्लाह ने कड़क हड्डी भी बनाई। तो अब ये बताओ, अल्लाह रिस्क खाली गोश्त को देता है कि उस कड़क हड्डी को भी देता है? बोलो, उस कड़क हड्डी को भी अल्लाह देता है। लेकिन उलमा फरमाते हैं, आप डॉक्टर से पूछिए, जो लोग हड्डी के डॉक्टर हैं उनसे पूछिए जाकर, ये कभी हड्डी हड्डी अल्लाह ना करे चोट वोट लगे आपको, हाँ। लेकिन अगर कभी किसी का सबका पड़ जाए किसी डॉक्टर हड्डी वाले से, तो पूछना ये जो कड़क हड्डी है ये अपनी गिजा कैसे लेती है, इसकी खुराक जो है इसको कैसे मिलती है? तो वो बताएगा कि इसके अंदर इतनी क्वालिटी नहीं है कि ये डायरेक्ट अपनी गिजा ले सके। फिर कैसे लेती है? एक नरम हड्डी होती है जिसे हम कसाई लोग कुर्री कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर से बोलो, कुर्री। खाए हो? किसने किसने नहीं खाया है? सब खाए बैठे हैं। चचा नहीं खाए हो? खाए हो? अरे सुभान अल्लाह, हाँ मैं टेंशन में आ गया, या अल्लाह 70 साल के चचा नहीं खाए हैं। इधर देखें, खाया करो, कुर्री में तो मजा ही अलग होता है कि नहीं? अच्छा, कुर्री को साहिबे बैदावी फरमाते हैं कि कहते क्या? साहिबे बैदावी फरमाते हैं अंसार भाई कि ये कुर्री है क्या, ये गोश्त है कि हड्डी? तो फरमाते हैं ना ये गोश्त है ना हड्डी। अरे भाई, ना ये गोश्त है ना हड्डी, तो है क्या? तो फरमाया ये दोनों के बीच में है, ये दोनों के बीच में। का अल्लाह ने इसको क्यों पैदा किया? फरमाया फेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा, अल्लाह का कोई काम हिकमत से खाली नहीं। इसको इसलिए अल्लाह ने बनाया कि ये गोश्त से गिजा लेती है कड़क हड्डी को गिजा। इसका काम समझ गए? ये ना गोश्त की तरह है ना हड्डी की तरह है। अल्लाह अल्लाह, खाओ तो हड्डी का भी मजा देती है, खाओ तो गोश्त का भी मजा देती है। जब चब जाती है तो गोश्त महसूस होती है, और जब तोड़ो तो हड्डी लगती है। अल्लाह अकबर कबीरा, इसका काम ये है कि ये गोश्त से गिजा लेती है कड़क हड्डी को गिजा देती है। हजरत अल्लामा साहिबे बैजावी अपने कलम को रोकते हैं और कहते हैं, अहले महफिल गोश बराबर, ए इंसानी ढांचे, जरा तू अपनी बॉडी का शुमार कर ले। तेरे जिस्म में अल्लाह ने गोश्त बनाया, तेरे जिस्म में अल्लाह ने कड़क हड्डी बनाई, और वो मेरा मालिक ऐसा रज़ाक है कि वो गोश्त को डायरेक्ट गिजा देता है। जो तुम खाते हो तो गोश्त डायरेक्ट गिजा ले लेता है, और जो कड़क हड्डी होती है वो डायरेक्ट गिजा नहीं ले पाती, गोश्त से ही गिजा लेना है मगर डायरेक्ट नहीं ले पाती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नरम हड्डी जिसे कुर्री कहते हैं उसे पैदा किया, वो कुर्रियां गोश्त से गिजा लेती है, हड्डियों को गिजा देती है। अब बिला शुबहा आप फरमाते हैं, बिला तशबीह हो बिला तमसील, साहिबे बैजावी फरमाते हैं, अल्लाह ने जब पूरी दुनिया को बनाया, अब दुनिया को चाहा कि मैं नेमतें दूं, अल्लाह ने चाहा कि मैं दुनिया को अपने राजो नियाज के खजाने से वाकिफ कराऊं, लेकिन इस दुनिया में वो हाथ नहीं थे जो डायरेक्ट परवरदिगार से ले सकते थे, वो ताकत नहीं थी जो डायरेक्ट अल्लाह से ले सकती थी। अब मेरे रब ने इस पूरी दुनिया में और अपने दरमियान,
एक ऐसे हाथ को पैदा किया, एक ऐसे एक ऐसी शख्सियत को मबूस फरमाया, एक ऐसी हस्ती को पैदा किया कि जो हस्ती, अब देखने वालों ने जब हस्ती को देखा तो बहुत से लोगों ने कहा अरे ये इतने बड़े बड़े मोजज़े दिखा रहे हैं, कहीं ये खुदा तो नहीं है। जब मोजज़ा रसूल देखा तो उन्होंने कहा कहीं ये खुदा तो नहीं है। तब अल्लाह ने फरमाया कुल इन्नमा अना बशर, आए महबूब कहो ताकि लोगों की गलत फहमी दूर हो जाए, ताकि लोगों के दहन से ये खच्चा निकल जाए कि आप खुदा हो। अरे खुदा वो नहीं जो हाथ वाला हो, खुदा वो नहीं जो पैरों वाला हो, खुदा वो नहीं जो जिस्मो जिस्मानियत वाला हो, और खुदा वो भी नहीं जो मकान में हो। जो मकान में हो वो खुदा नहीं, जो हाथ वाला हो वो खुदा नहीं, जो पांव वाला हो वो खुदा नहीं। अल्लाह अल्लाह, अब ये साबित हो गया कि ये खुदा नहीं है। लेकिन अब दूसरा जाविया बचा कि कहीं ये हमारी तरह तो नहीं। तब रब की रहमत ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल, जोर से बोलो आलमीन। कुरान में है बैठे हाफिज जी, पूछो मौलाना तो हैं लेकिन मौलाना से बड़ी डिग्री हाफिज की है। हाँ सुन लो, ये बैठे हाफिज साहब पूछो, कुरान में वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलम नहीं आया, रहमतल लिल आलम नहीं आया। क्या आया है जोर से, आलमीन। क्या आया है आलमीन। एक होता है आलम और एक होता है आलमीन, है ना भाई? ये है जिस पे मैं बैठा हूं, इसे इंग्लिश में कहते हैं चेयर। और जब ये दो चार हो जाएं जिस पर आप सब बैठे हैं तो ये चेयर है कि चेयर्स है? बोलो, ये लड़का है। इंग्लिश में बॉय कहेंगे, लेकिन जब आप सबको मैं कहूंगा जो जवान लड़के हैं उनको क्या कहूंगा? देखो माशाल्लाह बच्चे भी समझ गए, माशाल्लाह बॉय है ना। वाह, एक को आलम कहते हैं और सबको आलमीन। कुरान कह रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल, रहमतल लिल। ए महबूब, तुम जिस आलम में जा रहे हो वो तो एक आलम है, तुम सिर्फ उसके लिए रहमत नहीं हो। अरे जितने हजार आलम बनाए गए हैं आप सारे आलम के लिए रहमत हो। ए मेरे महबूब, चरिंदों के लिए रहमत आप हो, परिंदों के लिए रहमत आप हो, काफिरों के लिए रहमत आप हो, मोदी के लिए रहमत आप हो। अगर मुझे कहने दो तो देवबंदियों के लिए रहमत आप हो, वहाबियों के लिए रहमत आप हो, काफिरों के लिए रहमत आप हो, मुशरिकीन के लिए रहमत आप हो, हाफिजों के लिए रहमत आप हो, आलिमों के लिए रहमत आप हो, पूरी कायनात के लिए रहमत। तभी तो आला हजरत कहते हैं आज ले, यही छोड़ा था आपको, याद आया? आओ, इसीलिए इतना उठाया था ताकि बिल्कुल दिमाग में घुस जाए। आला हजरत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में। अगर मान गए फिर न मानेंगे कयामत में, अगर मान गया। ए लोगों, अगर अपने आप को जन्नत में ले जाना चाहते हो, अगर अपनी बॉडी पर अजाबे जहन्नम को बरसाना नहीं चाहते हो तो सिर्फ को दिल से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जब पढ़ लो तो उस पर अमल करो। और अकीदा ये रखो कि मेरे नबी के बाद कोई नबी, पूरा मजमा बोले मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, मेरे नबी से बड़ा नबी, मेरे नबी से बड़ा नबी कोई नहीं, मेरे नबी से अच्छा नबी, अच्छे सब हैं मेरे नबी से अच्छा नबी कोई नहीं, प्यारे सब हैं मेरे नबी से प्यारा नबी कोई नहीं, मेरे आका पूरे आलम के लिए रहमत है। अब कहो अकीदा, मेरे नबी जैसा कोई नहीं, मेरे नबी जैसा कोई नहीं। यही अकीदा रखना मेरी बहनों, तुम भी अकीदा यही रखना, मेरे भाइयों तुम भी अकीदा यही रखना। शादी हो जाए, जब ससुराल जाना, अगर मियां मिल जाए ढुलमुल यकीन तो उसके रंग में मत रंग जाना, उसके रंग में मत रंग जाना, बल्कि उसको अपने रंग में रंगना। और कहना यही वो शख्सियत है कि जब आए थे तो अरब का माहौल बेरंग था,
अरब का माहौल बेरंग था, बेकैफ था। जब नबी आए तो अपने रंग में रंग दिया मेरे नबी ने, और ऐसा रंगा, ऐसा रंगा, ऐसा रंगा कि जब नबी मक्का में तशरीफ लाए तो खुदा उस शहर की कसम खा रहा है और नात कह रहा है। खुदा हुजूर की नात कह रहा है, ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद। उठाओ कुरान, देखो उस शहर की कसम है महबूब जिसमें आपके कदमे नाज आए। अरे महबूब उस शहर की कसम जिसमें आपके कदमे नाज आए। अब मुझे बताओ यार इससे अच्छी नात और क्या होगी। तो हुजूर की तारीफ अगर करना है ना तो उल्टे सीधे दाढ़ी मुंडे जाहिल।